क्या आप जानते हैं जिसे आज हम दुपट्टा कहते हैं उसे पुरातन काल में उत्तरिया कहा जाता था, जिसे उस समय आदमी और औरत दोनों सर को ढकने और कंधे के ऊपर पहनने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। चलिए जानते हैं हल्के फुल्के दुपट्टे की भारी हिस्ट्री और इंटरेस्टिंग प्रेजेंट के बारे में। दुपट्टा भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत के दो शब्द दु और पट्टा को मिलाकर बनाया गया है। दु का मतलब है डबल और पट्टा का मतलब है कपड़े का टुकड़ा। दुपट्टा एक लंबा कपड़े का टुकड़ा होता है जिसे ज्यादातर हल्के मटेरियल से बनाया जाता है। मोहनजोदारो में पाई गई प्रीस्ट किंग की मूर्ति के लेफ्ट शोल्डर पर एक चादर जैसे कपड़े को देखा जा सकता है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि दुपट्टा उस समय में भी यूज किया जाता था। अलेक्जेंडर द ग्रेट के भारत पर आक्रमण करने के बाद भारतीय लोगों की वेशभूषा कुछ हद तक ग्रीक कल्चर से प्रभावित हो गई। ग्रीक या हेला कल्चर में औरतें स्टोल या पल्ला पहनती थी और पब्लिक प्लेसेस में अपना सर कवर करती थी। आगे चलकर इसी से इंस्पायर होकर दुपट्टा और साड़ी की ड्रेपिंग स्टाइल विकसित हुए। मौर्य साम्राज्य में जैन और बुद्धिस्ट फिलॉसफी में शालीनता को बहुत इम्पोर्टेंट माना गया, इसीलिए अंतरिया यानी नीचे पहने जाने वाले कपड़े ने भैरनी वासनी यानी एक स्कर्ट का रूप ले लिया और उतरिया बन गया दुपट्टा। राजपूत और मुगल एरा में दुपट्टे का इस्तेमाल सर के साथ फेस और अपर बॉडी को ढकने के लिए किया जाता था और इसे घाघरा चोली और सलवार कमीज के साथ पहना जाता था। ये लज्जा और बड़ों को सम्मान देने का प्रतीक था। इंडिया में आज अलग अलग टाइप के दुपट्टे मिलते हैं, जैसे कि फुलकारी, नेट, बनारसी सिल्क, गोटापत्ती राजस्थानी लहरिया, बांधनी, जालवर, डिजिटल प्रिंटेड, कॉटन सिल्क और कांथा। राजस्थान में ज्यादातर औरतें दुपट्टे को घाघरा चोली के साथ पहनती है। यहाँ की राजपूती वेशभूषा बहुत फेमस है, जिसमें सर ढक के चुनरी को लिया जाता है। राजपूत ज्यादातर इसे ओढ़नी कहते हैं। इन विभिन्न दुपट्टों की लिस्ट में एक और दुपट्टा है जिसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है और वो है हैदराबाद का खड़ा दुपट्टा। माना जाता है कि 17वीं शताब्दी की शुरुआत में मुगल महारानी नूरजहां ने टर्किश और पर्शियन क्राफ्ट्समैन को एक शाही पोशाक बनाने के लिए भारत में आमंत्रित किया। एक ऐसी पोशाक जो विशेष रूप से मात्र मुगल शाही खानदान की औरतों के लिए थी और ये दुपट्टा बनाने की खास कला सिर्फ मुगल वंश तक ही सीमित थी। आगे चल के जब मुगल गवर्नर निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद पर अपना स्वराज्य घोषित किया, तब निजाम खानदान की बेगम्स ने मुगलों के इस दुपट्टे के स्टाइल को अपने तरीके से अडेप्ट किया, जिसे आज हम खड़ा दुपट्टा के नाम से जानते हैं। इस पर मुख्यतः जरदोजी एम्ब्रॉयडरी होती थी, जो सिल्क के कपड़े पर सोने और चांदी के धागों से की जाती थी। इसे बाद में हैदराबाद के सामान्य निवासियों ने भी अपनाया और ये धीरे धीरे हैदराबादी मुस्लिम दुल्हनों की पसंदीदा पोशाक बन गई। इसे पहनने का तरीका बहुत ही अनोखा है और काफी सेलिब्रिटीज इसे पहनना पसंद करते हैं। दुपट्टे की बात हो और फुलकारी का उल्लेख ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पंजाब का गौरव फुलकारी भारत के सबसे प्रसिद्ध दुपट्टों में से एक है।
फुलकारी शब्द दो शब्दों को मिलाकर बनाया गया है, फूल यानी फूल या फ्लावर और आकारी यानी आकार या शेप। तो फुलकारी काम एक विशेष प्रकार का एम्ब्रॉयडरी टेक्निक है जिसमें फ्लोरल थीम्स का इस्तेमाल होता है। सामान्य समय से पूर्व के समय में इस काम से सिर्फ शॉल या दुपट्टों को सजाया जाता था, पर अब फुलकारी को हम साड़ी और सलवार कमीज पर भी देख सकते हैं। इतिहास में उल्लेख है कि फुलकारी भारत में सेंट्रल एशिया के जाट्स द्वारा लाया गया, पर कुछ लोगों का ये मानना है कि फुलकारी 15 सेंचुरी में पंजाब में ओरिजिनेट हुआ, और एक अनुमान ये भी है कि ये कला पर्शिया के गुलकारी कला से उत्पन्न हुई है। अब ये जानना तो मुश्किल है कि इन सारे वर्णनों में कौन सा वर्णन सही है, क्योंकि फुलकारी कला की इतिहास में कहीं भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। इसकी एक वजह यह हो सकती है कि फुलकारी दुपट्टा कभी भी बेचने के लिए नहीं निर्माण किया जाता था। ये एक बहुत ही पारिवारिक कला थी जिसकी तकनीक और ज्ञान एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी को सौंपा जाता था। दुपट्टा चाहे कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा ही सही, पर इसका महत्व इंडियन वेशभूषा और संस्कृति में बहुत बड़ा है। दुपट्टे के बिना ना जाने कितनी ही वेशभूषा अधूरी है। अब हम आपसे फिर मिलेंगे वेशभूषा के एक नए और रोचक एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वेशभूषा। क्या आप जानते हैं कॉस्मेटोलॉजी यानी सौंदर्य प्रसाधन की कला शुरू से ही हमारे कल्चर का हिस्सा रही है। प्राचीन भारत में औरतें लोधरा पाउडर से फेस और हल्के अलग तक रंगों से लिप्स पेंट करती थी। हल्दी, बेसन, क्रीम और मक्खन को भी फेशियल मेकअप के लिए यूज किया जाता था। ऐसी ही कुछ और इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए देखते रहिए वेशभूषा। Thank you.